हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसीज के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको टेपर एंगल कैलकुलेशन और टेपर एंगल रेडियस कैलकुलेशन दो अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए टेक्निक बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेपर एंगल रेडियस कैलकुलेशन है, पहले हम टेपर एंगल कैलकुलेशन देखने वाले हैं क्योंकि दो अलग अलग है। इसमें एक वर्कपीस दिया है, ये एक डायमीटर दिया है 172.0 है, मतलब 172.0 है। और उन्होंने यहां से यहां जो टेपर है वो टेपर का डिग्री दिया है 50 डिग्री दिया है, ऐसा उन्होंने डिग्री दिया है। मगर इधर का एंड डायमीटर, टेपर का एंड डायमीटर दिया नहीं, मगर ये कॉर्नर को इधर रेडियस है 12 का रेडियस दिया है उन्होंने टोटल। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 13 है और यहां से यहां तक का टोटल 15.5 है टोटल। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है टोटली इसका कैसे, पहले हमें अभी टेपर एंगुलेशन देखना है। तो टेपर एंगल कैलकुलेशन माने समझो ऐसा ये हो जाएगा टोटल, ये ऐसा होता है टोटल। फिर इसका ये स्टार्ट डायमीटर होता है, ये एंड डायमीटर होता है और ये लेंथ होता है चंपर का, टेपर का लेंथ है ये यल है, ये डायमीटर 2 है, ये डायमीटर 1 है आपका। डायमीटर 1 डायमीटर 2 हो गए ये, और ये एंगल हमको कितना दिया उन्होंने 50 डिग्री दिया है। और ये जो रहता है ये हाइट होता है, ये H1 हाइट और H2, मतलब दोनों कैलकुलेशन के लिए H2, ये ऐसा होता है। तो अभी दोस्तों इधर 5 दिया है, टेपर स्टार्ट डाया दिया है क्या उन्होंने, टेपर स्टार्ट डाया ये है टोटल, क्योंकि हम इधर से करने वाले हैं ना फिनिशिंग। तो इधर कुछ डायमीटर नहीं है, टेपर स्टार्ट डायमीटर नहीं है, हमको निकालने का टेपर एंड डायमीटर कितना दिया है, ये इधर एंड है ना, तो 172 दिया उन्होंने, 172 ये डायमीटर दिया। तो टेपर एंगल दिया है उन्होंने 50 डिग्री दिया है, तो ये 50 डिग्री रहेगा हमारा। और टेपर लेंथ दिया है क्या, दिया है, कैसे निकालने का, टोटल दिया है यहां से यहां तक का लेंथ दिया है 15.5, कितना आएगा टेपर लेंथ 12.5 आएगा, कैसे 15.5 माइनस 3 करेंगे तो 12.5 आएगा, ये लेंथ है टेपर का, ध्यान रखिए। और ये हाइट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो अभी दोस्तों ये दो बातें हमारे पास नहीं है टोटल, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी टेन थीटा सूत्र से हमको, क्योंकि हमारे पास एंगल है और लेंथ है, हाइट निकाल के डबल करने से ये डायमीटर निकलता है, तो हमको ये टेन थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड एडजस्टेबल, ये सूत्र द्वारा हम वो निकालने वाले टोटल। तो इतने पैरामीटर हमको ये करने पड़ते, तो अभी वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इधर एक अलग कोण त्रिकोण ये निकाल लेता हूं, इसका त्रिकोण मतलब हमको क्या क्या दिया है पता चलेगा। ये ऐसा त्रिकोण रहेगा, ये हमारा 50 डिग्री है और ये तो डायमीटर है हमारे पास 172.0 है, हमारे पास लेंथ है 12.5 है, ये लेंथ है, ये लेंथ है इधर से इधर तक का टेपर का, यहां से यहां तक का। मगर ये डायमीटर आपके पास नहीं है, ये एच नहीं है, ये लेंथ है, ये एडजस्टेबल है, अपोजिट है, हाइट माने अपोजिट होता है, एडजस्टेबल ये लेंथ हो गया। तो अभी इससे हमको ये निकालना पड़ेगा हाइट, हाइट निकालने के बाद ये उसको डबल करने से ये निकलेगा ना, तो 10 मतलब अपोजिट माने आपका लंब हो गया, एडजस्टेबल माने आधार होता है टोटल। तो 10 हमारा कितना है 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री अपोजिट माने एच है, एडजस्टेबल माने लेंथ है, तो 10 50 करेंगे तो क्या होगा, एच बराबर कितना है हमारा, एच निकालने का एल कितना है 12.5 है, 12.5 होगा, एच को हम इधर बाहर लेंगे, एच बाहर आएगा तो 10 50 इंटू 12.5 रहेगा, ये ऐसा आएगा। तो एच बराबर कितना आएगा मेरा 14.896, ये मेरा हाइट आ गया दोस्तों दोनों तरफ का, ध्यान रखिए।
ये एक साइड का मेरा एच निकल गया, आ गया टोटल। तो इसको इंटू टू करना है, टू करेंगे तो कितना आएगा टोटल लेंथ, मतलब डबल करना है ना, क्योंकि एक साइड का अभी निकल गया है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करने के लिए वन साइड वैल्यू से ही करते हैं, क्योंकि अभी हमको डायमीटर निकालने का, उसको डबल करना पड़ेगा ना। 29.793 ये टोटल हाइट हो गई। तो इसमें अभी 172 डायमीटर है, इसमें टोटल, ये टोटल हाइट आ गई, ध्यान रखिए टी एच मतलब टोटल हाइट। इसमें से क्या करेंगे, इसको 172 माइनस करेंगे, 172 पॉइंट माइनस माइनस कितना 29.793 दस, आठ दो दस, एक सौ 42.207 आ गया, ध्यान रखिए। मतलब ये जो डायमीटर है 142.207 ये डायमीटर आ गया, और ये हाइट मेरा कितना है टोटल 14.896 ये हाइट आ गया टोटल। ये एंड स्टार्ट डायमीटर हो गया इधर का, और ये 72-50 डिग्री है, ऐसा हो गया टोटल। तो दोस्तों ये टेपर एंगल कैलकुलेशन करने के लिए हमको इतना ये करना पड़ता है टोटल, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये टेपर एंगल कैलकुलेशन किया है। अभी अभी हमको टेपर रेडियस का कैलकुलेशन ये नहीं किया है, 12 जो रेडियस है इसका कैलकुलेशन नहीं, पहले ये हमको इम्पोर्टेंट था, अभी हमने ये निकाल के दिखाया आपको टोटली। अभी हम क्या करेंगे, टेपर रेडियस का कैसे निकाला जाता है वो दिखाता हूं मैं आपको टोटली। तो दोस्तों अभी हम टेपर एंगल रेडियस देखने वाले। टेपर हमने एक पहले जो देखा है टेपर एंगल कैलकुलेशन देखा था, अभी टेपर एंगल रेडियस कैलकुलेशन देखने वाले। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या क्या मिल गया, टेपर एंगल निकालने से क्या मिल गया, डायमीटर लेंथ मिल गया, और स्टार्ट डायमीटर एंड डायमीटर और लेंथ मिल गया, हाइट सब मिल गया। अभी सिर्फ हमको ये रेडियस की जो पैरामीटर है, स्टार्ट रेडियस एंड रेडियस उसका हाइट, ये मालूम नहीं है टोटल। तो इसके कितने पैरामीटर है, कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है वो बताता हूं। तो पहले ये जो कोण त्रिकोण होता है हमारा 180 डिग्री का, ये होता है ये एंगल, ये हमको निकालना पड़ेगा। ये जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण बोलते हैं हम उसको, ये हमको देखना पड़ेगा कितना है क्या नहीं। ये जितना रेडियस होता है वो होता है, ये 12 है रेडियस हमारा। ये एक्स होता है कोण के समोर, ये साइड में वाला ये एक्स होता है, और ये इधर से ये एल होता है, एल माने लेंथ होता है, रेडियस का लेंथ और एक्स वैल्यू ऐसा होता है, ये ध्यान रखिए एक्स लेंथ, और इधर से ये हाइट होता है, ये इधर से इधर तक का हाइट होता है टोटल। और दोस्तों ये जो रिफरेंस डायमीटर जो हमारा स्टार्ट डायमीटर है वो रिफरेंस डायमीटर होता है बाद में, तो उसके दो ये रहते हैं टोटल। ये डिग्री को ही, ये जो डिग्री है इधर का जो डिग्री है, ये डिग्री से ही हमको उसको डिवाइडेड टू करना पड़ता है ये। तो इसमें ये एच वन निकलता है, ये इधर से इधर तक का एच वन का ये होता है टोटल, मतलब ये इधर से इधर तक का एच वन में आता है, और ये एच टू होता है इधर से इधर तक का, ये हाइट के ही हमको भाग डिवाइडेड करना पड़ता है। तो इतने पैरामीटर हमको होने चाहिए, कौन सा ये, अभी ये एक नंबर, ये माने एंगल ना, एंगल का वैल्यू, एंगल निकालना पड़ेगा कितना एंगल है कोण का, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके आधार के ऊपर सब निकलता है। पहले एंगल निकालेंगे, दो नंबर जो है हमारा एक्स वैल्यू निकालेगा, एक्स वैल्यू हम निकालेंगे, फिर उसके बाद लेंथ निकालेंगे, निकलेगा हमारा जो भी रेडियस का लेंथ है वो निकलेगा, फिर उसके बाद लेंथ निकलने के बाद हमको हाइट निकलेगा, हाइट ये टोटल हाइट रहेगा ना, ध्यान रखिए
टोटल हाइट के बाद हम पांच नंबर क्या करेंगे, वन साइड हाइट एच वन, वन साइड, और छह नंबर जो है एच टू। तो ऐसे इतने पैरामीटर हमको ये टेपर एंगल रेडियस में निकालने पड़ेंगे। ये इधर से इधर तक का एक्स होता है, ये एंगल होता है, ये जो भी ये इधर हाइट आएगा उसके ये डिग्री से ही डिवाइडेड करना है। ऐसा नहीं हाइट आया है उसके भाग दो करो, नहीं, डिग्री से ही इसको एच वन और एच टू का वैल्यू निकलता है ये टोटल। और ये हाइपोटेन्यूस तो कर्ण रहता है जो रेडियस है, तो हमारे पास सिर्फ अभी हाइपोटेन्यूस कर्ण है अवेलेबल, इसके आधार के ऊपर पहले एंगल निकालना पड़ेगा इसके, फिर एंगल और ये द्वारा एक्स निकाल सकते हैं। फिर एक्स आ गया तो ये टोटल एक्स और एल मिला के ये रहता है हाइपोटेन्यूस का वैल्यू, उसमें से एक्स माइनस करेंगे तो एल निकलेगा। फिर एक्स के अगेंस्ट मतलब आप एंगल और हाइपोटेन्यूस के अगेंस्ट एक्स के डिवाइडेड ये करेंगे तो हाइट निकलेगा, या डायरेक्ट कॉस से इंटू करेंगे तो एच निकलेगा। फिर एच का ये डिग्री जो है इसके अपोजिट जो डिग्री है उसके डिवाइडेड टू डिग्री करके ये नीचे का एच वन निकलेगा पहले इंटू हाइपोटेन्यूस करने से, और फिर एच टू होंगे, फिर ये एच से डबल टू करेंगे तो ये स्टार डायमीटर और एंड डायमीटर मिलेगा आपको टोटली। तो ये करने के लिए हमको अभी एक कैलकुलेशन करेंगे हर एक का टोटल। अभी दोस्तों हमको एंगल निकालने का, ये जो डिग्री है टेपर में, मगर ये कोण जो है, कोण जो बनाने वाले उसका एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ये बराबर। तो एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना, तो इधर से ये एंगल मुझे मालूम नहीं है टोटल, तो ये कोण का एंगल मुझे नहीं मालूम, तो मैं ये ऐसा लाइन मारूंगा ऐसा, फिर ये ऐसा टेपर लाइन जाएगा, फिर ये ऐसा स्ट्रेट मारूंगा। तो अभी मेरा ये डिग्री का एंगल कितना है, ये डिग्री मेरा 50 है, ये 50 है ना, ये ऐसा, तो इसका अपोजिट कितना रहेगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना, ये 40 ना, तो हमको ये 40 मिल गया, तो इसका राइट एंगल कौन सा है, ये 40 मिल गया, तो ये 50 मिलेगा हमारा, तो ये 90 हुआ ना, ये राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का, 40 और 50 90, फिर वापस ये कितना रहेगा, 40 रहेगा मेरा डिग्री, तो ये 40 रहेगा तो ये मेरा 40 रहेगा ना, और ये 50 है तो ये 50 रहेगा मेरा, ये ऐसा, तो 50 से ये कितना रहेगा, ये 40 रहेगा मेरा, तो ये कितना रहेगा मेरा 50 रहेगा, क्योंकि ये राइट एंगल मेरा 50 और 40 90 हो जाएगा टोटल। तो ये मेरे जो इसका त्रिकोण का एंगल कितना आ गया मेरा टोटल, ये जो है ये माने कितना आ गया, एंगल कितना आ गया मेरा 50 डिग्री आ गया। ध्यान रखिए ये इधर से पॉइंट का, ये कोण का, ये एक्स होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, और ये एच होता है, हाइट है। तो इसका मुझे डिग्री मिलना था, वो डिग्री मुझे, एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, तो एंगल ये 50 डिग्री आ गया। दोस्तों हमको कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है टोटल, तो ऐसे निकाला जाता है, ये जो रेफरेंस हमारा डिग्री है इसके आधार के ऊपर ये आप निकाल सकते हैं टोटल। तो ये बराबर एंगल निकला हमारा 50। तो अभी हमारा एक्स वैल्यू निकालने का है, नंबर दो जो है हमारा एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो कोण आया था हमारा त्रिकोण वो निकालना पड़ेगा हमको। तो अभी हमारा ये डिग्री तो कितना है, 50 डिग्री आया ये, तो ये हाइपोटेन्यूस रहता है जो हमारा कितना है, आर रेडियस कितने का है, 12 का है ना, तो ये 12 डिग्री है हमारा, ये मतलब वो हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो अभी हमको एक्स वैल्यू मतलब ये होता है, ये अपोजिट होता है, एक्स माने ये अपोजिट होता है, और ये हाइपोटेन्यूस है आपका टोटल, और ये तो हाइट का कुछ संबंध नहीं, ये डिग्री है। तो अभी ये हाइपोटेन्यूस और एक्स अपोजिट का मतलब कौन सा सूत्र रहेगा हमारा, साइन थीटा ना, तो हमको क्या निकालने का, एक्स, तो हमको साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस। ध्यान रखिए
ये अगेंस्ट ये करना है टोटल। तो एक्स बराबर कितना रहेगा, साइन में मुझे कितना है 50 डिग्री है, तो अपोजिट कितना है मेरा एक्स है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 12 है ना रेडियस, तो 12 आएगा, तो एक्स मुझे बाहर लेना है इधर, एक्स आएगा तो साइन 50 × 12 करना है हमको टोटल, 12 करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको आएगा, का वैल्यू 9.192, इतना वैल्यू मेरा एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों। इधर से इधर तक का मेरा जो एक्स है इसका वैल्यू 9.192, ये एक्स का वैल्यू आ गया टोटल। अभी एक्स हमारा कितना आया 9.192, ये डिग्री मिल गया, फिर उसके बाद ये एक्स का वैल्यू भी मिल गया टोटल। अभी हमको क्या करना है, ये एक्स के वैल्यू के अगेंस्ट हमको क्या करता है, एक्स और एल मिला के कितना होता है 12 होता है। अभी हमको लेन निकालने का है, तो लेन निकालने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ हमको। ये एक्स का तो आपको समझ में आया, अभी मुझे लेंथ निकालने का है, ये लेंथ 3 नंबर जो है लेंथ निकालने का, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे वापस एक ये निकालना पड़ेगा, ले ये जो रहता है ये टेपर, मतलब ये रेडियस जो रहता है ये एल होता है, ये एल होता है, ये एक्स होता है, एल और एक्स मिला के जितना हाइपोटेन्यूस होता है 12 वैल्यू होती है, ध्यान रखिए। और अभी जो हमको एल कितना है एक्स कितना है ये मालूम होना चाहिए, हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया है 9.192 आया है, ये टोटल तो 12 रहता है एक्स और ये, मतलब ये एल होता है ना, ये एच होता है, एक्स होता है, ये हाइपोटेन्यूस है आपका 12, ये एंगल है आपका 50 डिग्री। हाँ, तो अभी बात एल निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे, हाइपोटेनिक्स माइनस एक्स वैल्यू बराबर एल, तो एल निकालने के लिए हमको क्या, हाइपोटेनिक्स कितना है 12 है, माइनस 9.192 करेंगे तो एल कितना आएगा, एल बराबर कितना आएगा 12.00 माइनस 9.192, दो और कितना 10 होता है 8, अच्छा ये 9 1 10 0, अच्छा ये 2 के बाद 8, अच्छा पॉइंट को पॉइंट, अच्छा ये 9 1 10 10 कितना 2 12 2, अच्छा ये 1 से 0 2.8, ये हमारा लेंथ आ गया दोस्तों इधर से इधर तक का, ध्यान रखिए 2.L बराबर 2.808, ये लेंथ आ गया हमारा किसका, चैम्पर रेडियस का लेंथ है, टेपर रेडियस का लेंथ, टेपर एंगल रेडियस का लेंथ आ गया टोटल, ये ऐसा निकाला जाता है। तो लेंथ हमारा कितना आ गया 2.808, ध्यान रखिए ये लेंथ आ गई टेपर रेडियस की। तो दोस्तों ये ऐसा निकाला गया हमको टोटल, 3 नंबर हो गया, लेंथ भी निकाल दिया हमने टोटल। अभी हमको क्या हाइट निकालने का है, अभी हाइट निकालने का है, तो रेडियस हाइट बोलते हैं उसको हम, रेडियस हाइट निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमको, पहले आपको ये कोण निकालना पड़ेगा, ये कोण है त्रिकोण, ये डिग्री है हमारा 50 डिग्री। अभी ये एच निकालने का है, मतलब हाइट निकालने का है ये साइड का, अभी एक्स इधर है, हाँ ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये 12 है आपका, रेडियस कितना है 12 है टोटल। ये अभी कॉस यूज करके डायरेक्टली आप ये इधर से इधर तक हाइट निकाल सकते हैं आप, ये टोटल हाइट निकलेगी ना हमारा टोटल।
अभी हाइट निकालने के लिए हम पर कॉस थीटा इजिकल टू एडजस्टेबल डिवाइडेड हाइपोटेनस, मतलब ये एडजस्टेबल होता है ना, ये एडजस्टेबल है, ये अपोजिट है आपका, ये हाइपोटेनस है, तो इसका संबंध नहीं है अपोजिट का, क्योंकि सूत्र में क्या एडजस्ट है हाइपोटेनस के, ये दोनों के अगेंस्ट ये निकलेगा ना एडजस्टेबल हमको। तो एच बराबर कितना है हमारा, कॉस कितना है हमारा, कॉस 50 डिग्री जो रहेगा, डिग्री यही रहेगा 50, तो एडजस्टेबल क्या है, एच है हमारा, हाइपोटेनस क्या है 12 है ना हमारा रेडियस, तो एच को हम बाहर निकालेंगे, तो कॉस 50 इंटू 12 करेंगे, तो बराबर की एच कितना आएगा, एच हमारा 7.713, 7.713 ये एच का वैल्यू आ गया टोटल दोस्तों। और उसको दूसरा भी ये रहता है, मतलब आप एक्स के अगेंस्ट भी मतलब साइन करके जो एक्स का वैल्यू है डिवाइडेड 10 50 करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक ये आता है टोटल। तो एच हमारा कितना आ गया, 7.7, ये एच माने 7.713, ये वन साइड ये हाइट आ गया टोटल दोस्तों। अभी ये हाइट मिल गए हमको, अभी हाइट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा हमको टोटल, अभी ये करना पड़ेगा हमको, ये मतलब ये अभी हमारे पास टोटल ये इसका हाइट मालूम होना चाहिए, ये फिर ये डायमीटर निकलेंगे ना हमारे टोटल, ये डायमीटर निकालना पड़ेगा, फिर ये डायमीटर निकालने का टोटल। तो अभी हमको हाइट एक साइड का निकला है, मतलब इधर से इधर तक का हाइट निकल के आया है, ये साइड से ये साइड इतना, और ये साइड से ये साइड हमको ये करना है ना टोटल डबल। तो अभी पहले उसका H1 और H2 निकालना पड़ेगा हाइट से, फिर वो हमको ये करना पड़ेगा। तो ये H हमारा कितना आ गया, 7.713, ये हाइट मिल गया हमको, अभी एक्स भी मिला है, हाइट भी मिला, हाइपोटेनस भी मिला, एंगल भी सब कुछ मिल गया हमको अभी टोटल। अभी H1 और H2 कैसे निकालते हो देखेंगे हम। अभी ये रेडियस हाइट का आ गया टोटल, तो अभी H1 इसको निकालने के लिए हम मुझे क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखने का, ऐसा टेपर है, टेपर के हिसाब से ये है, ये इधर इधर से ये हाइट आ गया हमारा ये। तो अभी ये जो डिग्री है हमारा, ये डिग्री का हमको हाफ करना पड़ेगा, जो इधर आपका ये हाइट है टोटल, तो इधर से ये H1 रहेगा मेरा, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए डायमीटर रहेगा ना मेरा, ये टोटल ये रेफरेंस के लिए इधर से ये H1 रहेगा और इधर से ये H2 रहेगा, ध्यान रखिए। और ये जो हाइट है मेरा 7.713, ये हाइट है इधर से इधर तक का, तो उसके डिवाइडेड करने से उसका हाफ नहीं करने का, डिवाइडेड टू करके ये एंगल कितना आता है, ये एंगल कितना है, ये 50 डिग्री है मेरा, 50 डिग्री है, ये कितना रहेगा फिर 50 और ये 40 ना, 90 होना चाहिए ना, ये 40 डिग्री है राइट एंगल, तो 90 डिग्री, मतलब कोण जो हमारा 180 डिग्री का होता है, तो ये जो कोण का एंगल 40 डिग्री आया है, तो उसका हाफ डिग्री से इनको हाइपोटेनस करने के बाद ये H1 निकलेगा हमको अभी। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिग्री ध्यान रखिए, ये डिग्री मेरा कितना है, 40 डिग्री है, 40 का हाफ कितना होगा, 20 डिग्री है ना, इधर 20 डिग्री इधर 20 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो H1 माने इधर से इधर तक का H1 होता है, और H2 माने इधर से इधर तक का H2 होता है, तो टोटल हाइट का ही, ये टोटल हाइट का वैल्यू कितना है हमारा इधर से इधर तक का, ये 7.713 ये वैल्यू है हमारा इधर से इधर तक का। तो
तो उसपे डिग्री के अगेंस्ट ही हमको ये करना है। तो एच वन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एच वन निकालने के लिए हमको 10 डिग्री कितना है 20 ना इंटू हाइपोटेनिस बराबर एच वन निकलेगा, ऐसा सूत्र है। तो एच वन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 10 20 ये डिग्री 40 का हाफ की है ना, 2 करना है डिवाइडेड इनटू हाइपोटेनस माने 12 है रेडियस, मेरा जो रेडियस रहता है वही हाइपोटेनस रहता है। तो एच वन कितना आ गया टोटल मेरे, 4.367, ये एच वन का वैल्यू आ गया। मतलब ये इधर से इधर तक का, मतलब ये रिफरेंस जो डायमीटर होता है मेरा, मतलब एच वन का जो वैल्यू है .367, ये इधर से इधर तक का, ये रिफरेंस डायमीटर से इधर एक साइड का नीचे का हाइट आ गया ये टोटल। और रह गया कितना ऊपर, उसमें से 7.713 में से ये माइनस करेंगे तो एच टू का निकलेगा, मतलब वो कितना आएगा, मतलब 3. मतलब 7.713 में से 4.367 कम करेंगे तो ये 40, ये एच टू का, मतलब एच वन का कितना हाइट हो गया 4.367, और इसका और 3.340, ये एच टू और एच वन इसका दोनों का भी हमारा हाइट आ गया। ये हाइट कौन सा होता है, टोटल ये होता है, ये दोनों मिला के इतना ही होता है, ध्यान रखिए। इसलिए उसका डिवाइडेशन आप हाफ करेंगे तो इतना नहीं आएगा ना, टोटल डिफरेंस आ सकता है ना टोटल। तो इसलिए कभी भी डिग्री द्वारा ही ये किया जाता है, ये एच वन निकल के आ गया हमारा ये एच वन। हाँ तो अभी दोस्तों हमको क्या क्या मिल गया है वो मैं बताता हूँ, फिर हमको वो एच वन डायमीटर ये कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी ये एच टू एच वन भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, अभी हमको डायमीटर निकालने पड़ेंगे ना टोटल, फिर कोऑर्डिनेट ये करके प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमको। अभी ये एच वन एच टू हो गया, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये टेपर से क्या क्या है वो देखना पड़ेगा ना हमको। ये रेफरेंस हमारा डायमीटर तो है हमारे पास, ये रेफरेंस डायमीटर है हमारे पास 142.207 है, ये डायमीटर है हमारे पास, मगर अभी जो हमारा हाइट आया है टोटल लिए जो ये हमने एच वन और एच टू किया है ना इसका, ये टोटल ये इधर से ये एच वन रहेगा और इधर से ये एच टू रहेगा। तो अभी ये टोटल मुझे क्या करना है, रिफरेंस हमको हाफ क्यों किया है, क्योंकि ये रिफरेंस के लिए ये है ना, तो इसके अभी क्या करने का, ये डायमीटर से नीचे इसका एच वन का डबल करने का है डायमीटर निकालने के लिए, ये डायमीटर हमको निकालना पड़ेगा ना इसमें से इसका डबल करके, तो हमको रेडियस रेडियस टार डाया बोलते हैं उसको, टोटल टार डायमीटर हमको निकालने का है। तो क्या करना है हमको, रेडियस टार डायमीटर हमको निकालने के लिए एच वन वैल्यू इंटू टू करना है हमको, वो वैल्यू को ही डबल करना है। तो एच वन का वैल्यू कितना है मेरा, ये एच वन का वैल्यू 4.367 है, इसको इंटू टू करेंगे तो टोटल क्या आएगा, टोटल हाइट आएगा ना रेडियस हाइट, वो हाइट 8.735 ये आएगा, 8.735 माइनस क्या करने का, ये डायमीटर रेफरेंस के लिए है हमको, तो रेडियस तभी रेडियस स्टार डायमीटर मिलेगा ना, माइनस हमको क्या करना है 142.207 करना है टोटल। तो हमारा रेडियस रेडियस स्टार डायमीटर 133.470 ये वैल्यू आ गया टोटल, ध्यान रखिए।
इसमें से हमने 42 में से इतना माइनस करेंगे तो 133.470, मतलब ये डायमीटर हमको मिल गया है दोस्तों। ध्यान रखिए 133.470 ये आ गया टोटल। ये स्टार्ट मेरा रेडियस स्टार डायमीटर हो गया है टोटल, ये ध्यान रखिए। इधर का मेरा ये जो डायमीटर है मेरा, हमने 133.470 ये डायमीटर हमारा मिल गया। इधर डबल करना है बस, ध्यान रखने का, एस टू के डबल करके उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा टोटल। तो अभी रेडियस क्या है वो, रेडियस एंड डायमीटर, ध्यान रखिए रेडियस एंड डायमीटर, ये रेडियस एंड डायमीटर है ना, ये स्टार्ट, ये रिफरेंस रहता है हमारा, जो पहले टेपर एंगल में निकाला हुआ है वो रहता है रेडियस एंड डायमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं डी। तो टू की वैल्यू उसको इंटू टू करना है, बराबर टू करने के बाद कितना आता है वो वैल्यू देखेंगे फिर हम, रेडियस एंड डायमीटर, एंड डायमीटर एच टू का वैल्यू कितना है हमारा, 3.3346 है। तो इसको इंटू टू करना है, मतलब कितना आएगा, इसको इंटू टू करना है, मतलब मैं इधर आपको ये करवा के ये करता हूँ, 3.346 है समझो, 7 7 12 को 2 अच्छा, 4 4 8 और 1 9, 3 3 6 को 6 आएगा, पॉइंट को पॉइंट, 3 3 6 मतलब ये 6.692, मतलब ये जो टोटल हमारा इंटू टू करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, टोटल हाइट, छे पॉइंट 692 ये टोटल हाइट आ गया। ये एच टू का ऊपर एक साइड और एक साइड ना, मतलब एक साइड का इधर से इधर तक का हाइट और एक साइड इधर से इधर तक का हाइट ना, हमने ये करना है टोटल, ये किया इंटू किया इसको ना, टोटल मतलब टोटल टोटल हाइट आया ये 6.6। फिर इसको क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू आया है 6.3 ये करने से, अभी हम क्या करेंगे रिफरेंस डायमीटर में वो प्लस करेंगे, रेडियस एंड डायमीटर कैसे निकलेगा, एच टू टोटल हाइट वैल्यू वैल्यू प्लस रिफरेंस डायमीटर, एच टू का कितना है वैल्यू हमारा, 6.692 प्लस 142.207 ये करना है। तो हमको कितना आएगा, ये करने से हमारा रेडियस एंड डायमीटर निकलेगा, ध्यान रखिए कितना होगा, 299 मतलब रेडियस 148.899 ये हमारा एंड डायमीटर आ गया रेडियस का। देखिए रेडियस एंड डायमीटर माने इधर का जो ये रेडियस एंड डायमीटर होता है हमारा, ये कितना आ गया, 148.899 ये एंड डायमीटर हो गया टोटल। तो ऐसे ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, अभी हमको सब मिल गया है, इसका भी कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं अभी ये करके टोटल। फिर वो काम को किधर लग, कहीं गलत लगाया है, कहीं जो आउट मार्क रखा है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट में हमने देखिए 0.01 मतलब 0 इधर होता है और 1 नंबर यहाँ, तो इसका एक्स कितना है, 133.470, एक्स हमारा कितना है, 133.470 है, और जेड 0 रहेगा, वो जेड 0.0 रेडियस नहीं है, एफ पॉइंट हमने 1.5 दिया है। हाँ इधर का 1 नंबर का एक्स और जेड हो गया टोटल, अभी 2 नंबर का इधर रेडियस मारना है हमको टोटल, रेडियस का डायमीटर कितना है, 148.003 कोड रहेगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, तो एक्स मेरा 148.003
899 ये रहेगा जेड माइनस आर 12 है हमारा और फीड उतना ही रखना है हमको टोटली। तो इधर आ गए हम दो नंबर पे, अभी स्ट्रेट टेपर जाना है ना इसको, तो इसलिए G01X हमारा कितना है 172.0 है 172.0। जेड माइनस कितना है हमारा 12.5 है लेंथ हमारा टोटल, यहाँ से यहाँ तक का मतलब, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक 15.5 है और ये तीन कम करेंगे तो 12.5 रहेगा, तो जेड माइनस 12.5 रहेगा ये लेंथ हमारा, रेडियस नहीं है फील्ड उतना ही रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों, इसके हिसाब से आप ये कोऑर्डिनेट यूज करके उसमें 71 साइकिल से आप रफ टर्निंग कर सकते हैं टोटली, और बाद में समझो कैलकुलेशन करके आप मैनुअल भी उसके लिए एंगल द्वारा कैलकुलेशन करके कर सकते हैं टोटल। तो दोस्तों मैंने आपको टेपर एंगल रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करना है और टेपर एंगल कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने अलग अलग टेक्निक से आपको अच्छी तरह से समझाया, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।